नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ, जो 4 इंची का दीवार लगाते हैं उसमें 9 इंची का जो ये कॉलम है इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा। दोस्तों तो जैसे कि वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं, एक पौन ईट यहाँ पे लगा हुआ है और साबुत ईट इस प्रकार से है, और ये 4 इंची का जो दीवार है इस प्रकार से लगा हुआ है। तो इसके ऊपर हम किस प्रकार से बांधेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इस प्रकार से मसाले को रख लेना है और बिल्कुल बराबर दोस्तों मसाले को बिछाना है। जो ईंट रखेंगे वह ईंट होगा जो हमारा ऊपर खबर ना हो। तो छोटा दीवार है दोस्तों, इस प्रकार से बिछा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मसाले को रख लेना है दीवार के ऊपर और बिल्कुल इस प्रकार से बिल्कुल बराबर मसाले को बिछा लेना है इस प्रकार से। और यहाँ पे दोस्तों पौन ईंट लगा हुआ है और इधर साबुत ईंट लगा हुआ है और ये सब साबुत ईंट लगा हुआ है। तो इसका जोड़ काटने के लिए दोस्तों इस प्रकार से एक साबुत ईंट को रखना है और दूसरा ईंट जो होगा दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे रख देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं जोड़ हमारा बिल्कुल सही कट गया यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों एक डेली डालेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों एक यहाँ पे डेली डालेंगे इस प्रकार से और बाकी जोड़ काटते हुए ईंट को इस प्रकार से लगाते जाना है आगे को। चाहे दोस्तों जितनी लंबी दीवार है दोस्तों इस प्रकार से लगाएं और यहाँ पे एक साबुत ईंट इस प्रकार से रख देना है। और यहाँ पे दोस्तों एक आधा ईंट का जो होगा वो रख देना है इस प्रकार से और हर एक ईंट में दोस्तों उंगल उंगल का गैप रखना है क्योंकि मसाला भरेंगे इसमें तो काफी मजबूती होगा। और यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से साल को कर लेना है, एक ही ईंट से दोस्तों साल करेंगे इस प्रकार से, यहाँ भी कर लेना है और इस नुक्कड़ में भी कर लेना है और इस नुक्कड़ में भी करेंगे दोस्तों साल, क्योंकि जो हमारा दीवार होगा वो बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाएगा। तो ये 3 जगह साउल करना है, एक यहाँ और एक वहाँ पे। और दोस्तों उसमें बाद सूता मिला के लगा देना है इसको। तो छोटी दीवार है दोस्तों, इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं, तो आप कहीं भी लगाएं तो सूत बांध के लगाएं दोस्तों, इस प्रकार से मिला लेना है ईंट को। तो अब दोस्तों इसके ऊपर ये जो उंगल उंगल का गैप रखे हैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इस प्रकार से भर देना है क्योंकि मजबूती हमारा काफी हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। और इसके ऊपर किस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों, एक पौन ईंट यहाँ रख देंगे फिर और भी बाकी साबुत ईंट इस प्रकार से लगा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि समझ आ गया होगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।